दोस्तों स्वागत है आपका हमारे शिल्पा आपकी फेवरेट सीरियल घूमी किसी के प्यार में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। और आप पुलकित कुछ ऐसा सई से कह देगा कि सई एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं जो कि विराट और सई की दूरी को खत्म कर देगा। आने वाले एपिसोड में हम देखते हैं कि पतले का काफी ज्यादा एक्साइटमेंट दिखा रही होती है सम्राट के सामने कि मुझे तैयार होने के लिए पार्लर जाना है। और सम्राट कहता है तुम्हें वहां पर कितना टाइम लगेगा, तो वो कहती है 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे, मैं तुम्हारे लिए मैगजीन लेकर चलती हूँ तो वहां पर इंतजार कर लेना। तो कहता है कि 2-3 घंटे में वहां पर तुम मुझसे इंतजार करवाओगी, तो वो कहती है क्यों विराट जब मेरे साथ जाता है तो वो भी मेरा इंतजार करता है, तो मैं विराट नहीं हूं। और इस कंपैरिजन पर सम्राट को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अब मैं तुम पर ना अपना कोई फैसला थोपूंगा और ना ही कुछ कहूंगा, अगर तुम अपने फैसले पर श्योर नहीं हो तो तुम ऐसा करो तुम पहले अपना डिसीजन ले लो, लेकिन तब तक मैं ये सब लोगों के सामने तो तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए रखूंगा और ना ही बिना तुम पर कोई हक जताए हुए। और पतलिका के होश उड़ा देता है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर सभी औरतें पूजा की तैयारी कर चुकी हैं लेकिन सही वहां पर नहीं होती है और करिश्मा को और भवानी कहती है कि तुम उसको बुलाकर लेकर आओ, लेकिन तभी विराट आता है और सबको इन्फॉर्म कर देता है कि उसने कमरे में पद कर दिया उसको क्योंकि वो कॉलेज जाने की जिद कर रही थी। और यहाँ पर सब घर वालों के होश उड़ जाते हैं। तो वही सही कहती है कि आपने आज बहुत गलत कर दिया विराट सर, और वो वहाँ से भाग निकलती है और सोचती है कि देखना अब मैं ऐसा कुछ करूँगी जिससे कि आप वो डिजर्व करते हैं जो कि आप अकेले रहेंगे, क्योंकि पाकी दीदी तो वैसे भी सम्राट तांडा के साथ रहने का नाटक तो कर ही रही, अब मैं भी चली जाऊंगी और फिर आप हमेशा के लिए अकेले रहना। और वो कॉलेज पहुंचती है जहां पर देखने को मिलेगा कि पुलकित उसे समझाते नजर आएगा कि तुम्हें अगर पत्र लेखा तुम इन दोनों के बीच में नहीं होती तो क्या तब भी तुम विराट से प्यार नहीं करती। और दूसरी तरफ विराट के इस हरकत पर सम्राट भी उसकी बहुत भयंकर क्लास लगाने वाला है। वही अब गणपति पूजन होने वाला है।